हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 11th मिड टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं और 15 तारीख को आपका एग्जाम है। तो उसी सीरीज में स्टैटिक्स का एक और चैप्टर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये चैप्टर हम आपके लिए दो पार्ट में लाएंगे। आज के इस पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में, हम आपके लिए दो तीन चीजों को कवर करके लाए हैं, तो इसको देखो आप फटाफट और उसके बाद इसको शेयर भी कर देना और एक सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश है, आप लोग कमेंट में कह रहे हो कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, तो आप तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी ही अगली वीडियो आपको उसी की मिलने वाली है। तो चलो पहले कवर करते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। बच्चों, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में दो तरीकों से, तीन तरीकों से प्रस्तुतिकरण है। एक है तालिका प्रस्तुतिकरण, दूसरा है चित्रीय प्रस्तुतिकरण और तीसरा है आपके पास ग्राफिक प्रस्तुतिकरण। तो तालिका प्रस्तुतिकरण हम अलग वीडियो में लाएंगे, यहाँ पे चित्रीय और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है। आप देखो, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आपके लिए है वो क्या है, सबसे पहली चीज आपके लिए है एक विमीय चित्र। एक विमीय चित्र, वन डायमेंशनल डायग्राम, इसको आप लोग दंड आरेख या बार डायग्राम के नाम से, इंग्लिश बार डायग्राम और हिंदी दंड आरेख के नाम से भी जानते हो। इस चित्र की खास बात है कि इसमें सिर्फ एक एक्सिस पे, देखो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, तो सिर्फ एक एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप सूचना को रखते हो और एक्स एक्सिस पे तो वर्ष या बस नाम गिवन होता है, सिर्फ एक ही एक्सिस पे सूचना रखी जाती है। तो देखो परिभाषा में क्या है, वो चित्र जिसमें मापन की केवल एक ही विमा होगी, है ना, सिर्फ एक ही एक्सिस पे मेजरमेंट होगा, जैसे ऊंचाई या लंबाई, हाइट या लेंथ, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होगी और इसलिए हम इसे एक विमे वाले चित्र कहते हैं। या फिर मैंने आपको इसका दूसरा नाम बता दिया है, दूसरा नाम इसका दंड आरेख है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल आपके छह टाइप के डायग्राम आते हैं, चित्र आते हैं। तो आओ, छह तरीकों का आपका जो है दंडारेख है, मतलब कि एक विमीय चित्र है, इंग्लिश वन डायमेंशनल डायग्राम। तो आओ छह के छह आप देखो और इन्हीं सिक्स क्वेश्चंस को आप बस एक काम कर लेना, नोटबुक पे एक बारी बना के देख लेना, ठीक है। बस ये छह क्वेश्चन बना के देख लेना तो आप अपने पेपर में चार मार्क्स पक्के कर लोगे। देखो सबसे पहला जो है आपके पास वो है सरल दंडारेख, इट मींस की सिंपल बार डायग्राम। ये आपका क्वेश्चन है सिंपल बार डायग्राम का, सरल दंडारेख का। देखो क्या गिवन है, एक तो वर्ष गिवन है और दूसरा साक्षरता दर, लिटरेसी रेट गिवन है। अलग अलग वर्ष गिवन है यहाँ पे और उन सब में साक्षरता दर गिवन है और हमें इसका बार डायग्राम बनाना है, हमें इसका दंडारेख बनाना है। तो आओ देखो किस तरीके से बनेगा इसका दंडारेख। ये है इसका बार डायग्राम, आप ध्यान से देख लो, एग्जाम में भी आपको बनाना है और मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम में जाने से पहले एक बार अपनी नोटबुक पे बनाना है। जैसा कि आपको नाम पता है, इसका नाम है एक चर वाले चित्र, तो सिर्फ एक ही सूचना थी, सूचना में था क्या, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, उसको आपने डाल दिया किस पे, वाई एक्सिस पे, इस बात का आपको ध्यान देना है। और उसके अलावा ध्यान देना है कि जब आप वाई एक्सिस पे डालोगे तो आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है। जैसे इसमें सबसे छोटा था 18.33 और सबसे बड़ा था 74.04, तो मतलब अगर हम 10-10 का पैमाना ले ले, 10-10 का स्केल ले ले, तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो कवर हो जाएगा। तो हमने वाई एक्सिस पे देखो 10-10 के पैमाने पे हमने ये ले लिया है, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाना है कि भाई साक्षरता दर के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं और पैमाना स्केल लिया है हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, ठीक है। और अब आपके पास सूचना दी हुई थी हर वर्ष के लिए, हर वर्ष के लिए आपको बार डायग्राम दंड आरेख बना देना है। बेटा दंड आरेख की खास बात क्या है, जैसे देखो पहली बार है 1951 में 18.33, तो आपके पास स्केल होगा, आप परफेक्ट बना लेना। और बेटा ये 0.33 अब कैसे दिखा सकते हैं हम परफेक्टली, है ना, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, 18 और उससे हल्का सा बढ़ा के आप इसे बना दें। अब खास बातें सुने, सबसे पहली खास बात, जब आप दंड आरेख बनाएंगे तो जितने भी बार बनेंगे सारे बारों की चौड़ाई, देख रहे हो आप ये चौड़ाई, ये सेम होनी चाहिए, सबसे पहली खास बात। दूसरी खास बात कि जितने भी बार बनेंगे, बार डायग्राम दंड आरेख एक पैमाने वाले जो चित्र हैं, इनकी खासियत कि जितने बार होंगे सबके बीच गैप होता है और गैप भी कितना देना है, गैप हर बार इक्वल गैप देना है। इन दो बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो इस आसान से क्वेश्चन में आपको आपके चार नंबर नहीं मिलेंगे। पहली चीज,
जितने भी दंड बनाए जाएंगे सबकी चौड़ाई समान रखनी है आपको। दूसरी चीज, हर दंड के बीच, हर बार के बीच आपको गैप रखना है। तीसरी चीज, पैमाना जरूर देना है, स्केल जरूर देना है, ऊपर प्लॉटिंग जरूर करनी है किस चीज का डायग्राम है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लिख के छोड़ देते हैं। भाई किस चीज का नंबर है ये तो बता। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है साक्षरता दर, तो आपको लिखना है साक्षरता दर लिटरेसी रेट परसेंटेज में, ठीक है, बना सकते हो। देखो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन के बार बने हुए हैं, आप देख लो क्या करना है। सपोज 34.45 बनाना है, तो 34.45 देखो ये होगा आपका 35, इससे थोड़ा सा नीचे आपको लेके 34.45 का एक बार बना देना है। बस ध्यान ध्यान क्या देना है, पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, बार की चौड़ाई बराबर हो, बार के बीच का गैप होना सही है, ठीक है रोशन बाबू, बना सकते हैं आप। चलिए, तो ये है आपका सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड आरेख। उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर बना के देखेंगे। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप एक बार कर लें, ये देखिए ये आपका इसका क्वेश्चन था, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, और इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लो और इसको आपको इस तरीके से प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है आपके पास सिंपल के बाद, दूसरा देखो क्या है, बहुगुणी दंडारेख। बहुगुणी दंडारेख में क्या खास बात होगी, ये देखो नाम ही रहा बहुगुणी, इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं इसको मल्टीपल बार डायग्राम। बहुगुणी हिंदी है, इंग्लिश है मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या है, क्यों बहुगुणी बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 2017, 2018, 2019 ये क्वेश्चन में 3 साल दिए हुए हैं, और 3 साल में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है, कोई कॉलेज है, वहां पे विद्यार्थियों की संख्या है। अगर मैं सिर्फ आपको कला मतलब आर्ट्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताता तो आप बनाते सरल दंडारेख, जो पिछली बार बना था पिछले क्वेश्चन में, इस तरीके का दंडारेख आप बना देते, है ना। लेकिन मैंने आपके साथ क्या किया, क्या बताया, यहाँ पे आप ध्यान दो, एक नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ दे दी। यहाँ पे 2017 में, 18 में, 19 में कला के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट, फिर कॉमर्स वाले बच्चे और फिर साइंस वाले बच्चे, तीनों की इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, दो या दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसको आप मल्टीपल बार डायग्राम मतलब की बहुगुणी दंडारेख बताओगे, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, देखो एक ही बार आपको जाना है 2017 में, 2017 में जाने के बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्टूडेंट्स के लिए एक ही बार बार बना देना है। मैं अभी आपको अच्छे से दिखा रहा हूं, तीनों के लिए एक ही बार बना देना है। स्केल फिर उसी तरीके से लेना है, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, अगर आप देखो तो सबसे छोटा 250 है ना, और सबसे बड़ा आप देखो तो क्या है, सबसे बड़ा है 730 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर 100-100 के गैप में हम 700 तक ले ले या 800 तक ले ले तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो आओ देखो, ये रहा आपका इसका चित्र, देखो क्या किया इन्होंने, 100-100 के गैप में लिया है स्केल, यहाँ पे 100-100 का गैप लिया है। स्केल आपको लिखना जरूर है, क्या लिखोगे आप कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट, है ना। ऊपर प्लॉटिंग करनी, ऊपर वो लिखना है कि किस चीज का आप डायग्राम बना रहे हो, वो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या था, 2017 में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों थे, है ना। आर्ट्स में 540 बच्चे थे, कॉमर्स में कितने थे, 325 थे, और साइंस में 250 थे। लो जी ये था आपका। तो अब 2017 एक साथ बनेगा, गैप नहीं डालना है, तीन है 2017 में, तीनों एक साथ बना देने आपको। 2017 में आर्ट्स में 540 बच्चे आप ले लोगे, 540, फिर कॉमर्स में कितने आपके पास, 325 बच्चे कॉमर्स में आपके पास, और साइंस में 250, ठीक है। ये आपने 2017 का बना दिया है, उसके बाद आपको गैप लेना है, और गैप लेने के बाद फिर 2018 में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फिर गैप लेना है, फिर 2019 में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस तरीके से प्लॉटिंग करनी है। इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे देखो कैसे डिफरेंशिएट होगा कि आर्ट्स का कौन सा है, कॉमर्स का कौन सा है, साइंस का कौन सा है। तो आपको क्या करना है, आर्ट्स वाले में जैसे कि आपने डॉट डॉट करके इस तरीके से डाल दिया, कॉमर्स वाले में आपने इस तरीके से बॉक्सेस बना दिए, और यहाँ पे आपने इस तरीके से डॉट डॉट डाल दिया, ठीक है। तो उस बात को यहाँ पे आपको प्रेजेंट भी करना है। ये थोड़ा होता क्या, इससे अट्रैक्टिव दिखता है, टीचर को चेक करना आसान हो जाता है। तो ये है आपका मल्टीपल बार डायग्राम बहुगुणी दंडारेख। खास बात कि दंडारेख बनाना था और सूचना 2 से ज्यादा थी, और जितनी भी होगी 3-4 भी होगी तो चारों पहले एक साथ चिपक के बनेंगे, फिर गैप लेके अगले साल के लिए बनेगा। तो बताइए रोशन बाबू, बना सकते हैं आप, ठीक है। बच्चों एक बात याद रखो, इसे बना के देखना है, देखने में तो बड़ा आसान है, एग्जाम में बनाने में गलती हो जाती है ना। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपको बना के देखना है, आंसर ये रहा, और स्क्रीनशॉट कर लो, इसका क्वेश्चन ये था,
ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से हम चलते हैं तीसरे टाइप के बार डायग्राम पे। तीसरे टाइप का बार डायग्राम क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। तीसरा है उपविभाजित, इंग्लिश में कहते हैं इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब इसमें क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हमने उठाया 2017-18-19 कला वाणिज्य विज्ञान आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों है यहाँ पे आपके पास। अब इसमें क्या है, नाम है इसका उपविभाजित सब डिवाइडेड। तो आपको करना क्या है, करना यह है कि 2017 में आर्ट्स में जो विद्यार्थी थे जमा जो कॉमर्स में थे और जमा जो विज्ञान में थे सबको जोड़ लेना है। ऐसे 2018 में भी आर्ट्स कॉमर्स और साइंस सबको जोड़ लेना है, फिर 2019 में भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबको आपको जोड़ लेना है। जोड़ लिया। अब ध्यान रखना यहाँ पे तीन बार डायग्राम ही बनेंगे, एक बनेगा 2017 का 18 का और फिर एक 19 का, एक 17 का एक 18 का एक 19 का, ठीक है। बनेगा कितना बड़ा, जो ये टोटल आया है इसके बराबर का बनेगा। देख लो सबसे छोटा नंबर क्या आप बताओ मुझे, आपने देखा था ना 250 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा नंबर क्या, टोटल करने के बाद आप कहां तक गए थे 1600 तक, तो 250-250 के गैप में आप ले लो, ठीक है। और आपको तीन बार बनाने तीन, और उसके बाद उसको विभाजित करना है। कैसे करना है मैं बताता हूं, पहले आप आओ जरा एक बार देखो चित्र को, ये रहा, पहले स्केल ले लो बच्चा पट्टी, स्केल क्या लोगे, हमने देखा सबसे छोटा 250 था, सबसे बड़ा क्या था आपके पास जोड़ने के बाद 1600 तक आप गए थे, तो 250-250 का आपने स्केल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ऊपर लिख भी दिया कि एक सेंटीमीटर बराबर 250 बच्चे। आपने देखा 2017 में जोड़ आया था 1115, 2017 में सम क्या था 1115, ये लो जी आपने दिखा दिया सीधा 1115 का बार बना दिया, 1115 का बार बना दिया आपने। बनाने के बाद अब आपको ये देखना है कि 2017 में आर्ट्स में कितने बच्चे थे, आई थिंक आर्ट्स में पहले आर्ट्स था ना, आर्ट्स में कितने थे 500 थे, 500 बच्चे थे आर्ट्स में, ठीक है। फिर कॉमर्स में कितने थे 250 थे, ये देख ही लो आप एक बारी, आर्ट्स में 540 थे, कॉमर्स में 325 और साइंस में 250, ठीक है। क्या था आपके पास 540, 325 और 250, ठीक है। आप देखो आपने तीनों का सम कर दिया, सम क्या आया आपके पास 1115, है ना, आपने क्या किया 1115 का बार बना दिया। अब इसको विभाजित करना है, कैसे करेंगे, पहले 540 है, पहली लाइन 540 पे ले रहा है, 500 से थोड़ा सा ऊपर 540। अब क्या है 325 है, तो 540 जमा 325, है ना, क्योंकि उसको ऊपर बनेगा ना, तो 540 में 325 को जोड़ना है, मतलब 865 पे अब आपको लाइन लेनी है, ये 865 है, 865 यहां पे लाइन ले लिया। अब तीसरी लाइन कहां जाएगी, वैसे देखो बचा हुआ है, लेकिन तीसरी लाइन जाएगी कहां, 865 जमा 250 मतलब 1115, मतलब ये है आपका। तो इस तरीके से आपको इसको विभाजित करना है, समझ गए आप मेरी बात, ऐसे दूसरे में ऐसे तीसरे में, तो ये है उपविभाजित दंडारेख। रोशन बाबू आपको आया तो सबको आया बताओ, ठीक है, तो मतलब रोशन भैया को समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ गया होगा। तो कैसे करोगे विभाजित, चल गया पता, पहले क्या करना है तीनों को जोड़ लेना है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी दो तीन चार जो भी होगी जोड़ लेना है, जोड़ के जितना बड़ा बार बनेगा बना दो, ठीक है। उसके बाद उसे विभाजित करना शुरू करना है, कैसे विभाजित करोगे, पहला नंबर जो है वो डाल दिया आपने कि 540 है जी, 540 हमने ले लिया, अब 540 जमा 325 कितना हो जाएगा 865, तो अब अगली लाइन 865 पे, ठीक है। अब 865 जमा 250 1115, मान लो एक और होता 500 का, तो 1115 जमा 500 तो कहां पे 1615 पे, तो इस तरीके से आपको विभाजित करना है। तो बच्चों क्वेश्चन और आंसर दोनों का स्क्रीनशॉट करो, ये है क्वेश्चन, बनाना कौन सा था, बनाना कौन सा था उपविभाजित सब डिवाइडेड, और ये है इसका आंसर, ठीक है। दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं हम। अब इस पे आओ, ये है प्रतिशत दंडारेख। बेटा एक वन मार्कर क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई ऐसा दंडारेख होता है जिसमें दंड की लंबाई बार की लंबाई बराबर हो, तो हाँ एक नंबर का क्वेश्चन है, हाँ ऐसा होता है। ऐसा कब होता है, जब हम कौन सा दंडारेख बनाते हैं बेटा, प्रतिशत दंडारेख, परसेंटेज बार डायग्राम। इसमें सबसे पहले ये जो सूचना गिवन है इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, कैसे बदलना है, इसकी टोटलिंग करो बेटा, इसकी टोटलिंग है आपके पास 25,000, है ना, और इसकी टोटलिंग करो ये क्या है 40,000। आपको प्रतिशत में कैसे बदलना है, देखो क्या है, पहला है 10,000 अपॉन में इसकी टोटलिंग क्या थी 25,000 इंटू में 100, इस तरीके से आपको परसेंट में बदलना है। ऐसे दूसरा क्या है 5,000 अपॉन में 25,000 इंटू में 100, तीसरा क्या है
4000 अपॉन में 25000 इंटू में 100। तो इस तरीके से सबको, इधर वाले को भी परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में, और सेम ऐसे इधर भी कर रहे हैं आपको। 12000 इसकी टोटलिंग क्या है, 40000 इंटू में 100, ठीक है। फिर ऐसे ही 10000 अपॉन में 40000 इंटू में क्या, 100। तो इस तरीके से आपको उसको पहला काम परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आप ये लिख लो, देखो कैसे मैंने बदला था, फॉर्मूला लिख लो एक बारी। क्या किया हमने, पहला आइटम उठाया, लिख लो यहीं से लिख लो। देखो पहला आइटम हमने उठाया, कितना था पहला आइटम, 10000। फिर उसके अपॉन में हमने क्या डाला, उसकी टोटलिंग कितनी थी, टोटलिंग 25000 इंटू में 100। तो इस तरीके से इधर वाली चीजों का परसेंटेज और इधर वाली का भी सेम ऐसे ही। पहला आइटम क्या है 12000, फिर इसकी पूरे की टोटलिंग क्या है 40000 इंटू में 100। पहले आपको सबको प्रतिशत में बदल लेना है, बदल लिया आपने प्रतिशत में। अब अगला काम आपका क्या होगा, देखो जरा, अगला काम होगा कि अब आपको, अरे यार प्रतिशत दंडारेख ही रहा, बदल लिया आपने प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के बाद अब आपको इसका दंडारेख बनाना है। ये देखो प्रतिशत में बदलने के बाद क्या आएगा, 10000 बटे 25000 इंटू में 100 40%, 5000 बटे 25000 इंटू में 100 20%, 4000 बटे 25000 इंटू में 100 16, 18, 6, ऐसे इधर भी आपने प्रतिशत में बदल लिया। ध्यान रखना आपने सही किया या गलत किया, प्रतिशत का जोड़ 100 आना चाहिए। अगर 100 आ रहा है तो आपने सही किया। तो जैसे प्रतिशत दंडारेख आएगा तो पहला काम जो सूचना गिवन है उसको जोड़ो, ऐसे दो परिवार गिवन होगा, ठीक है, तो उसे जोड़ो, प्रतिशत में बदल लो। और अब दो परिवार थे ना, परिवार ए परिवार बी, उन दोनों के लिए आपको डायग्राम बनाना है। तो अब दो दंड बन जाएंगे, दो बार बन जाएंगे और दोनों 100-100% के बनेंगे। ये देखो दो बार बन गए और दोनों की ऊंचाई देखो बिल्कुल 100% है ना। स्केल यहां पे भी लेना है, 20-20 का गैप ले लिया इन्होंने, ठीक है, आप लिख देना 1 सेंटीमीटर बराबर 20%। दो दंड बना दिए परिवार ए के लिए, परिवार बी के लिए, ठीक है, और कितने परसेंट का बना दिया, 100% का। और अब जैसे कि आपने उपविभाजित में विभाजित कर दिया था, बांट दिया था, सेम वैसे ही इसे भी यहां पर बांटना है। आप जाओ एक बारी देखो, मुझे बताओ जो जो परिवार ए है, परिवार ए कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है खाने पे, 40%। परिवार ए का 40% खाने पे, कपड़ों पे 20, मकान पे किराए पे 16। आ जाओ इधर देखो क्या किया हमने, परिवार ए 40% किस पे, खाने पे, ये ले लिया हमने 40%। हमने बनाया पूरा 100 का है, इसको आप विभाजित कर रहे हैं जैसे पिछली बार किया था, 40% खाने पे, फिर 20% कपड़ों पे, तो 40 जमा 20, अगली लाइन कहां पे चलेगी, 60 पे, है ना। फिर 16% था, 16 था ना, 16% था आपका खाने के बाद अगली चीज पे, तो 40 जमा 20 60 हो चुका है, 60 जमा 16 76 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 76 प्लस अगला जो भी है, जितना भी है, फिर बचा हुआ अगला देख लो एक बारी, क्या था, क्या था पहला 40%, 20%, 16, फिर 18, फिर 6, समझ गया क्या करना है। 100% का बार बना दिया, पहले विभाजित कर दिया 40 पे, फिर 40 जमा 20 60 पे, फिर 60 जमा 16 76 पे, फिर 76 जमा 18 94 पे, और बचा हुआ आखिरी, और ऐसे ही दूसरा भी। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन पीछे दे दिया था मैंने आपको, ये है इसका आंसर। और वन मार्कर क्वेश्चन कि भाई क्या कोई ऐसा दंडारेख भी होता है जिसमें दंड की लंबाई चौड़ाई तो सबकी बराबर होती है, बार डायग्राम में सारे बार की चौड़ाई बराबर होगी, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जिसमें दंड की लंबाई भी बराबर हो। तो हाँ भैया, किसमें होता है, परसेंटेज प्रतिशत दंडारेख में ऐसा होता है। अगला है बच्चों आपके पास ब्रोकन स्केल, मतलब कि खंडित दंडारेख। खंडित दंडारेख की क्या खास बात है, आप जरा ध्यान देना, खंडित दंडारेख की खास बात यह है कि सारे नंबर छोटे छोटे लेकिन एक नंबर बहुत मोटा, मतलब बहुत बड़ा, है ना। देखो 120, 250, 430, 550, लेकिन उसी में एक 3250। अब यार अब मैं क्या करूं, या तो अब मैं 100-100 का स्केल लूं 3300 तक, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत समस्या होगी, है ना, या फिर दूसरा तरीका कि आप खंडित दंडारेख बना दो। देखो ये रहा, हमें करना क्या है, हमें ध्यान देना ही नहीं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, ध्यान देना है लेकिन ध्यान देके छोड़ देना है उसे, बाकी सबको देखो 120, 250, 430, 550, 100-100 का स्केल लूंगा तो 600 तक में सब आ जाएगा, तो 100-100 का स्केल ले लिया और 600 तक के लिए ले लिया, भैया निर्यात है ये, ठीक है। सारे बार डायग्राम बना दिए, 2017 का छोड़ के सब बना दो, 2017 के अलावा सब बना दो, जितने जितने 2017 की जगह छोड़ के रखो। अब आ जाओ 2017 पे, पूछो 2017 से क्या कर रहा है भाई, 3250 हमारे पास तो वहां तक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 600 तक का बना देंगे,
क्योंकि हमने स्केल कहां तक का लिया, 600 तक का, फिर थोड़ा सा गैप देंगे मतलब इसे तोड़ देंगे, ब्रोकन स्केल मतलब खंडित, खंड कर देना है, तोड़ देना है, थोड़ा सा गैप देके ऊपर बनाना है और लिख देना है कि टूटा इसलिए क्योंकि ये बता रहा है कि मैं ऐसे चलते हुए कहां तक जाऊंगा, 3250 तक, ऊपर लिख देना है 3250, कि हमारे पास स्केल सिर्फ कहां तक का था, 600 तक का, लेकिन हमें जाना कहां है 3250, तो उसको तोड़ देना है। ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन भी है आंसर भी आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज पे चलता हूं। ठीक है, अगला है आपके पास विचलन दंडारेख। विचलन दंडारेख इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डेविएशन बार डायग्राम। इस बार डायग्राम की खास बात क्या होती है, कोई कोई एक या दो नंबर यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो होने देना भाई, हमें पता है ये है ग्राफ, है ना, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ऐसा ही है ना, तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो आप नीचे की तरफ आ जाओगे, बस इतनी सी बात होगी। तो जो पॉजिटिव वाले हैं बच्चों वो देखो कहां बन रहे हैं, ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और जो नेगेटिव वाला है वो कहां बनेगा मेरे बच्चे, वो बनेगा नीचे की तरफ। तो उम्मीद करता हूं ठीक है सबको, पॉजिटिव वाले ऊपर, नेगेटिव वाला नीचे, नीचे स्क्रीनशॉट कर लो, ये है डेविएशन बार डायग्राम। ठीक है, आएगा इन सब में से कोई ना कोई, कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब है बच्चे पाई चित्र। पाई चित्र को कोणीय चित्र भी बोलते हैं, एंगुलर डायग्राम भी बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है पाई चित्र। एक बार तो परिभाषा देखो क्या है, कहता है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक वृत्त बनाते हो, एक वृत्त बनाते हो और उस वृत्त को अलग अलग डिग्री के हिसाब से आप विभाजित कर देते हो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसी को पाई चित्र कहते हैं। मतलब कहने का साफ कि आपने एक वृत्त बनाया, एक सर्कल बनाया, और उस सर्कल में उसकी वैल्यू के हिसाब से जितनी डिग्री आएगी उसको आपने बांट दिया, तो इसी को पाई चित्र मतलब पाई डायग्राम बोला जाता है। दूसरा नाम कोणीय चित्र, या फिर इंग्लिश में मैंने बोला कि जो है एंगुलर डायग्राम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी दो तरीकों का क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देना है। एक बच्चा ऐसा क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, देखो एग्जाम में बच्चों से गलती होती है, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि जो भी सूचना गिवन है वो पहले से ही परसेंटेज में गिवन है, और अगर सूचना परसेंटेज में गिवन है तो हमें पाई डायग्राम बनाने के लिए सीधा इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में है, हमें डिग्री में बदलना है। सबको पता है कि एक वृत्त जो होता है, एक सर्कल जो होता है, वो 360 डिग्री का होता है, तो हमें सीधा इसको डिग्री में बदलना है। कैसे बदलें? पहला, भोजन पे कितना खर्चा कर रहा है ये परिवार, 60%, प्रतिशत में है क्वेश्चन, 60%, इसका टोटलिंग 100 ही आएगा क्योंकि परसेंटेज है। तो अब करना क्या है आपको बच्चा, 60 में कितना डिग्री होता है, 360 / 100, ये करना है आपको। तो बेटा आप देखो, जब आप 360 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3.6। तो या तो आप 360 से हर बार गुना और 100 से भाग कर लो, या सीधा 3.6 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो सीधा वो डिग्री में बदल जाएगा। तो ये देखो, 60% इंटू 3.6 216 डिग्री, 15% इंटू 3.6 54, 3.6 क्यों आया समझ गए ना, इंटू बाय 360 और डिवाइड बाय 100। ठीक है, फिर ऐसे 10 इंटू में 3.6 36, 12 इंटू में 3.6 43.2, 3 इंटू में 3.6 10.8, ये हो गया आपका डिग्री में कन्वर्ट। अब इसको दिखाना है सर्कल पे, भाई कड़ा खोल के सर्कल नहीं बनाना है, है ना, किससे बनाओगे, प्रकार से बनाओगे, कंपास से बनाओगे। जैसे ही आप कंपास ऐसे रखोगे और सर्कल घुमाओगे तो आपको आपका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ध्यान रखना है। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद अब डायग्राम बनाना बड़ा आसान होता है। करना क्या है आपको, सेंटर पॉइंट जैसे मिला आप उसका रेडियस निकाल लो, रेडियस त्रिज्या बना लो, मतलब एक लाइन डाल लो, डाल दिया लाइन आपने। अब क्या करना है बच्चे, एक एक करके सारा, हाँ डी लेके जाना है आपको पेपर में, ठीक है, डी लेके जाना है, इस तरीके का डी होता है आपका, पता ही है आपको। तो इसमें जो ये वाला पॉइंट है, ये जो कटिंग वाला पॉइंट है, इसको आपको इस पे रखना है सेंटर पे, ध्यान रखना है डी ऐसे रखना है आपको, ठीक है। अब डी जैसे ही रखोगे तो अब देखो क्या है, सबसे पहला 216 है, 216 यार सबसे पहले बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बाकी सारे बना लो, जो बचेगा वो 216 बच जाएगा। तो अब देखो इन्होंने सबसे पहले बना दिया है, वैसे तो कोई भी बना लो सबसे पहले, लेकिन हम आवास से दिखा रहे हैं ताकि मुझे दिखाना आपके लिए आसान हो। अब आवास पे कितना है, 36 डिग्री ना, तो आप जैसे डी रखोगे तो 36 डिग्री आपको दिखेगा, करेक्ट 36 नहीं दिखेगा, 30 दिखेगा, 40 दिखेगा, 30 और 40 के बीच में 35 होगा, 35 से थोड़ा सा ऊपर जैसे आप डालोगे ये लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आवास था कितना, 36 डिग्री। ठीक है, अब डी को कहां रखना है, ध्यान दीजिए, अब डी को इस वाली लाइन पे रखना है, इस तरीके से,
है ना, डी अब यहां रखा जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, अब ये बना था ना आपका, अब डी को आपको घुमा देना है, अब डी आपको इस लाइन पे लेके आना है, इस तरीके से अब आपको डी रखना है, ये रखा हुआ है अब आपका डी। अब देख लो कितना बनाना है, मान लो आवास के बाद हम वस्त्र बना देते हैं 54, तो 54 का आपको अब डी के ऊपर रख के, डी रख दिया आपने, 54 आपको दिखेगा, 50 दिखेगा, 50 और 60 तो दोनों के बीच 55, थोड़ा एक डॉट पीछे आओगे तो 54 दिखेगा, तो ये 54 का बना दिया आपने, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसे ड्रॉ करना है। अब ये आपको घर में बैठ के एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा, एग्जाम में 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, परसेंट वाला होगा, डिग्री में कैसे बदलना है, सीधा 3.6 से मल्टीप्लाई, 3.6 क्यों, 360 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, इसलिए 3.6 बन जाएगा ये, ठीक है। और अगर परसेंट वाला नहीं है, अगर परसेंट वाला नहीं है क्वेश्चन, अगर ऐसा है, इसमें देखो क्या है, इसमें सूचना जो है वो प्रतिशत में नहीं है, यहाँ पे सीधा लिखा है वाहनों की संख्या कि निजी वाहन इतने हैं, टैक्सी इतनी है, बस इतनी है, ऑटो रिक्शा इतना है, तो पहला काम इसको परसेंट में बदलिए, बहुत आसान होता है परसेंट में बदलना, आप इसको जोड़ लो, आई थिंक इसका जोड़ आ रहा है 10,000, आपने जोड़ लिया इसको 10,000, अब इसका परसेंटेज निकालो, 4200 बटे में टोटलिंग 10,000 इंटू में 100, 42%, फिर ऐसे इसका भी निकालो भाई, 2,000 अपॉन में 10,000 इंटू में 100, मतलब 20%, तो इस तरीके से आपको सबका परसेंटेज निकालना है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो निकाल दिया आपने सबका परसेंटेज, पहले का परसेंटेज, दूसरे का, तीसरे का, 42, 20, 18, 20, इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालने के बाद अब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, वही तरीका, मल्टीप्लाई 360 से, डिवाइड 100 से, और अगर कोई नहीं करना चाहता ऐसा तो 360 बटे 100 मैंने बता दिया 3.6, सीधा 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आपका डिग्री, सही आया या गलत आया चेक करने का तरीका कि डिग्री को जोड़ के देख लो, 360 डिग्री आना चाहिए, और अब दोबारा से आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद ध्यान रखें कंपास का यूज करना है, प्रकार का यूज करना है, प्रकार की मदद से सर्कल बनाना है आपको, नहीं तो आपको समस्या होगी। फिर जो भी एक सेंटर पॉइंट से आपको लाइन ले लेनी है, उसके बाद इसी लाइन के ऊपर पहला लाइन जो है डी, इस पे रखना है पहले, जितना डिग्री एंगल बोला उसने उतना बनाना है, फिर जो दूसरा लाइन ड्रॉ होगा डी उस पे रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करने के टाइम आपको डी घुमाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन था आपका, इसको पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, पहले हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर डिग्री में कन्वर्ट किया, और फिर लास्ट में उसका पाई डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ये देख लो, एक और है, आप इसकी अभी स्क्रीनशॉट कर लो, ये रहा क्वेश्चन, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। ये देख रहे हो नंबर गिवन है, क्या ये परसेंटेज में गिवन है, नहीं ना, तो पहले आपको इसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलने के बाद उसको फिर डिग्री में बदलना है, ध्यान रखना आप। आ जाओ बच्चों, अगली चीज जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आयत चित्र। जो अगली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आयत चित्र, जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसको कुछ लोग टू डायमेंशनल डायग्राम, दो चर वाले चित्र भी बोलते हैं। देखो पिछली बार क्या था, सिर्फ एक सूचना थी, सिर्फ आप क्या कर रहे थे, सिर्फ आप सूचना कहाँ रख रहे थे, वाई एक्सिस पे। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार दो सूचना होगी, दो इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए हमने बोला दो विम वाले चित्र, मतलब दो विमाओं वाले चित्र, टू डायमेंशनल डायग्राम। तो इस बार वाई और एक्स दोनों पर इंफॉर्मेशन रखा जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है आयत चित्र आवृत्ति वितरण का एक ग्राफ है, जिसमें वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पर, वर्ग अंतराल मतलब बेटा क्लास इंटरवल CI, जो ऐसे लिखा होता है ना 0 से 10, 10 से 20, है ना, तो इसको एक्स एक्सिस पे, और आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी F, उसको वाई एक्सिस पर रखकर द्विविमीय चित्र बनाए जाते हैं, मतलब कि टू डायमेंशनल बार डायग्राम, टू डायमेंशनल हिस्टोग्राम बनाया जाता है, ठीक है, आयत चित्र बनाया जाता है। अब देखो बेटा, जब आप आयत चित्र बनाने जाओगे तो चार तरीकों से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, सबसे पहला टाइप क्या होगा आपका, देखो जरा, इक्वल क्लास इंटरवल आर गिवन, समान वर्गांतर दिए हुए होंगे, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से होगा। यहां पे आप देखो, यहां पे आप क्लास इंटरवल को देखो, इक्वल है क्या, देखो CI को 0 से 10, 10 का गैप है, 10 से 20, 10 का गैप है, 20 से 30, 10 का गैप है, 30 से 40, 40 से 50, मतलब इक्वल क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो आपको इसको सिंपल सीधा बनाना है, यहां पे आपने लिखा अंक,
अंक, मतलब जो मार्क्स गिवन थे, यहां पे लिखा आपने विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अंक वाले में आपने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से स्केल लिया। आपको दोनों का स्केल लिखना है क्योंकि अब दोनों पे इंफॉर्मेशन है। एक्स एक्सिस पे आपने लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, y पे ले रखा आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट, देख लो सबसे छोटा नंबर क्या है 30, सबसे बड़ा 60, वही 10 10 का गैप, तो 10 20 30 40 50 60 आपने ये ले लिया। यहां पे लिख भी दिया y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, बोलो ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, बस बनाना है हिस्टोग्राम। कैसे बताओ, 0 से 10 पे 30 है तो 0 से 10 पे हमारे पास 30 विद्यार्थी हैं, फिर 10 से 20 पे 45 है, बिल्कुल चिपक के दंडारेख में क्या था, गैप था, है ना, था ना गैप। आयत चित्र में क्या है, कोई गैप नहीं होगा, बिल्कुल चिपक के इसके साथ ही चिपका के बिल्कुल क्या बना देना है आपको कि भाई अब 45 है। अगली बार क्या है 55, तो ये लो भाई 55। अगली बार क्या है आपके पास 55 के बाद क्या है 60, तो ये लो भैया 60, ठीक है। और फिर अगली बार क्या है आपके पास, तो पहले से इस तरीके से आपको बनाना है। तो ध्यान क्या देना है, दोनों एक्सिस पे इंफॉर्मेशन है, दोनों का स्केल लिखना है, ठीक है। अगली बार क्या ध्यान देनी है, कोई गैप नहीं होता इसमें, इसमें कोई अंतर नहीं होता, आयत चित्र में कोई गैप इंटरवल नहीं होता, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे तुम 100 से शुरू करते हो, है ना, तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि लाइन को थोड़ा सा जिगजैग कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा हिला देते हैं। जैसे मान लो कि आप शुरू कर रहे हो 100, 110, 120, 130, तो हर जगह गैप कितने कितने का है, 10-10 का गैप है, लेकिन शुरू में गैप 100 का है, तो लाइन को आपको थोड़ा सा जिग जैग कर देना है, थोड़ा टेढ़ा कर देना है, ताकि पता चले कि ज्यादा गैप से शुरू हुआ है। चलिए अगला है आपके पास, ये तो समान वर्ग अंतर वाले थे ना, अब है अनइक्वल क्लास इंटरवल, असमान वर्ग अंतर वाले आयत चित्र, ठीक है। अब जो आप आयत चित्र बनाने वाले हो, असमान वर्ग अंतर वाले बनाने वाले हो, तो सबसे पहले आपको सीआई को, आपको जो सीआई का फ्रीक्वेंसी होगा उसे एडजस्ट करना होगा। कैसे करना होगा मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चन का, ये आपका क्वेश्चन है, ये है प्रश्न, और कैसे बनेगा वो आप देखना। बस ये देखो, सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप आना है, जो सीआई गिवन है सीआई का इंटरवल निकाल लेना है। आई क्या है यहां पे, आई पहली बार गैप कितना है 10, अगली बार गैप कितना है फिर 10 है, अगली बार फिर 10 है, अगली बार 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 10 है, निकाल लिया। अब क्या करना है, इस आई में जो सबसे छोटा है, क्या है इस आई में सबसे छोटा, 10 है ना, उसी से इस पूरे आई को डिवाइड कर देना है। आई डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 10, 1 1 1 3 2 1 1, कर लिया आपने ऐसा। अब क्या करना है, ये जो भी आया है इससे अपनी फ्रीक्वेंसी को, एफ को, विद्यार्थियों की संख्या को भाग करना है। करो जरा, 5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5, फिर 10 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10, फिर 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4, 18 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, 9 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9, हो गया। अनइक्वल क्लास इंटरवल था, तो देखो हम क्लास इंटरवल को एडजस्ट नहीं कर सकते, हमने क्या किया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी एफ उसको समायोजित कर लिया। अब आपको स्क्रीनशॉट कर लो बच्चे, अब आपको इस सीआई और इस एफ की मदद से डायग्राम बनाना है। एग्जाम का वन मार्कर क्वेश्चन कि क्या कोई ऐसा हिस्टोग्राम होता है, क्या कोई ऐसा आयत चित्र होता है जिसमें बार की चौड़ाई समान ना हो, तो बिल्कुल अनइक्वल असमान वर्गांतर में बार की जो चौड़ाई होती है वो समान नहीं होती है, ठीक है। आओ देखो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, सबसे छोटा गैप क्या था 10 था ना, तो 10 10 के गैप पे आपने सीआई ले लिया, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे ले लिया आपने, यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी डाल दी, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी कहां तक गया था, 10 तक गया था। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखो इसका और इसका यूज करना है, इन दोनों का यूज करना है, ये अब आपके किसी काम का नहीं है। पहली बार क्या है, 0 से 10 पे 5, ये लो भाई 0 से 10 पे 5, फिर 10 से 20 पे 10, 10 से 20 पे क्या है 10 है, 10 तक गए, फिर 20 से 30 पे 4 है, 20 से 30 पे 4, फिर 30 से 60 पे, बच्चों 30 से 60 पे सबसे चौड़ा ये बन जाएगा, 30 से 60 पे कितना है हमारे पास 6 है,
30 से 60 पे हमारे पास 6 है, फिर 60 से 80 पे 2 है हमारे पास, फिर 80 से 90 पे 3 है हमारे पास, फिर 90 से 100 पे 9 है हमारे पास। तो इस तरीके से आपको आयत चित्र अनइक्वल वाले केस में बनाना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, कर लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे आगे बढ़िए। इसके बाद है मिड पॉइंट्स आर गिवन, मध्य मूल्य गिवन होता है। कई बार बेटा क्या होता है, क्वेश्चन वाला क्या करेगा, जानबूझ के आपको मिड वैल्यू बता देगा, मध्य मूल्य। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, देखो सीआई में क्या क्या होता है। सीआई में एक होता है L1, एक होता है L2, ये दो चीजें होती है सीआई में, ठीक है। अगर आपको L1 निकालना है बेटा, तो मिड वैल्यू -1/2 इंटू में एच बोल दो, आई बोल दो, हाइट होता है वो, है ना। और L2 निकालना है बेटा, तो मिड वैल्यू +1/2 इंटू एच करना है आपको। देखो ध्यान से, यहां पे पहली बार मिड वैल्यू क्या है, 150 -1/2 एच बेटा, इनके बीच का गैप 10 का गैप है ना, तो एच है बेटा 10। 2 से 10 को काटोगे 5, 150 -5 145, L1 145 आ गया। L2 निकालो बेटा, मिड वैल्यू क्या है आपके पास, 150 +1/2 इंटू में एच क्या था, 10 का गैप था, 10 काट दिया आपने, 150 -5 155। समझ गए आप कैसे निकालना है, देख लो आप फॉर्मूला देख लो, L1 बराबर मिड वैल्यू -1/2 इंटू एच, और L2 बराबर मिड वैल्यू +1/2 इंटू एच। तो पहली बार हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, 145 से 155 है, और अब गैप देखो 10-10 का है, तो अगली बार भी पता चल गया 155 से 165, अब अगली बार 165 से 175, है ना, फिर 175 से 185, जो हमारी समस्या थी खत्म, हमने मिड वैल्यू से सीआई निकाल दिया। बस एक बार निकालना है, फिर आई अगर सेम है, आई या एच इनके बीच का गैप अगर सेम है, तो ये 10-10 से फिर बढ़ता हुआ चला गया। तो आप वो फॉर्मूला स्क्रीनशॉट कर लो, लिख लेना एक बार इसको, मिड वैल्यू को सीआई में कन्वर्ट करके देख लेना। अब क्या करना है, अब मिड वैल्यू सीआई में बदल गया ना, कर लिया स्क्रीनशॉट ना सबने, अब मिड वैल्यू सीआई में बदल चुका है ना बच्चे, अब आपको कोई समस्या नहीं है। अब सीधा जैसे सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं, सरल दंडा सर बार डायग्राम बोल रहा हूँ, हिस्टोग्राम, जैसे सिंपल हिस्टोग्राम बनाते हैं वैसे बना देना है। बस एक चीज ध्यान देना, 145 से शुरू किया, जैसा कि मैंने कहा था कि जब दूर से शुरू करोगे तो क्या करना पड़ेगा, जब दूर से शुरू करोगे तो लाइन को थोड़ा सा जिग जैक करना पड़ेगा, तो हमने लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, लाइन थोड़ा हमने जिग जैक कर दिया है, लाइन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, लाइन हमारा थोड़ा सा जिग जैक किया जा चुका है यहाँ पे। फिर क्यों क्यों किया पता चल गया ना सबको, 10-10 का गैप है, पहली बार 145 का गैप है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी, सीआई को आपने, मिड वैल्यू को आपने सीआई में कन्वर्ट कर लिया था। अब आ जाओ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, समावेशी, समावेशी श्रृंखला, सबको पता होगा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, समावेशी श्रृंखला क्या होती है। देखो भाई इसको देखो आप ध्यान से, अभी तक आपने सीआई कैसा देखा था, सीआई 0 से 10, 10 से 20, मतलब एक का ऊपरी सीमा दूसरे की न्यूनतम सीमा थी, एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट था। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है, तो हम इसका बार डायग्राम, इसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, पहले हमें इसे ठीक करना होगा। सबको पता है कैसे ठीक करते हैं, जो L है उसमें से L1 में से माइनस कर दो 0.5 और L2 में प्लस कर दो 0.5, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ये देखो नीचे हमने ठीक किया हुआ इसको, ये देखो ये रहा क्या हुआ, आपने क्या किया यहां पे, ये था 1 से 10, तो 1 में 0.5 माइनस, L1 में माइनस 0.5 और L2 में प्लस 0.5, तो 1 में 0.5 माइनस, तो ये क्या बन गया 0.5, और 10 में प्लस तो 10.5, ऐसे 11 में माइनस, 11 में माइनस तो 10.5, 20 में प्लस तो 20.5, ऐसे 21 में माइनस 20.5 और यहाँ पे प्लस तो 30.5। इस तरीके से आपको इसको ठीक कर लेना है। अब ये नॉर्मल जैसा हो गया, समान वर्गांतर वाला हो गया ये, है ना, अब आपको इसको नॉर्मली आपको डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है, जैसे कि आप करते हुए आए हो, जैसा कि सबसे पहले वाला हमने किया था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद बच्चों एक ये डिफरेंस है,
आप जरूर देख लें इसको, आयत चित्र और दंडारेख में क्या डिफरेंस है। आयत चित्र हिस्टोग्राम और दंडारेख मतलब कि जो है आपका बार डायग्राम, ठीक है। देखो बेटा आयत चित्र जो है द्विविम में होता है, मतलब टू डायमेंशनल होता है, और ये जो है एक विम में होता है, वन डायमेंशनल होता है। मतलब आपने अभी आयत चित्र बनाया था ना, तो आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे इंफॉर्मेशन डाली थी, लेकिन इसमें क्या था, सब सिर्फ किस पे था, वाई पे। आयत चित्र में दंड एक दूसरे से सटे हुए होते हैं ना, इसमें आपने बनाया तो कैसा था, एक दूसरे से चिपका हुआ था ना बार, एक दूसरे से चिपक चिपक के था, इसमें दंडों के बीच अंतर होता है। आयत चित्र में वर्ग आवृत्ति को आयतों के क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। जो ये वर्ग है वो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्यों, क्योंकि इधर की भी कुछ वैल्यू है और इधर की भी कुछ वैल्यू है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ सिर्फ आयतों की ऊंचाई होती है, मतलब कि सिर्फ हाइट है, क्योंकि वैल्यू सिर्फ इस तरफ है, दूसरी तरफ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आयत चित्र केवल सतत चरों के लिए बनाया जाता है, सतत मतलब सीआई वाले के लिए, जब क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल, तो उसी का आयत चित्र बनेगा। लेकिन ये जो है दंडारेख जो है, दंड चित्र खंडित और सतत दोनों के लिए बन सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ खंडित, सिर्फ एक्स वाला जो है वो गिवन होगा, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसका हमें बनाना है। वैसे खंडित और सतत दोनों के लिए बन सकता है, खंडित मतलब एक्स वाला जो डेटा होता है एक्स और एफ, और सतत मतलब सी आई, क्लास इंटरवल और एफ वाला, ठीक है। और ये सिर्फ सीआई के लिए बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। ज्यादा मुश्किल बातें याद मत रखो ना, ये याद रखो कि ये द्विविम में होता है, दो टू डायमेंशनल होता है, ये वन डायमेंशनल है, एक विम में, इसमें चिपक चिपक के बनता है, इसमें दूर दूर बनते हैं, इसमें जो वर्ग है, जो आयत है, उसका क्षेत्रफल दर्शाया जाता है, इसमें सिर्फ ऊंचाई को दर्शाया जाता है। तीन बातें याद रख लो। चलो अगला टॉपिक है आपके पास आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बच्चा कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आवृत्ति बहुभुज बनाते हुए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल पहले आयत चित्र बना लेना है, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन गिवन है, आपको करना क्या है, ये रहा क्वेश्चन आपको, इसका आपको बनाना है, मान लो आवृत्ति बहुभुज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, सिंपल पहले दंडारेख बार डायग्राम आपको बना लेना है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उस बिहाफ पे आपको सिंपली ऐसे दंडारेख सॉरी आयत चित्र बना लेना है, हिस्टोग्राम बना लेना है। जब आपने हिस्टोग्राम बना लिया, ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये बना दिया आपने हिस्टोग्राम, सिंपल बना दिया। अब करना क्या है, सबका मिड पॉइंट लेना है आपको, 20 से 30 था पहला, उसका मिड पॉइंट क्या था 15, फिर क्या था आपके पास 30 से 40, तो मिड पॉइंट क्या था, मध्य मूल्य क्या था 35, फिर 40 से 50 का 45, फिर 55, फिर 65, इस तरीके से डाल दिया आपने। अब इन सबको आपको स्केल की मदद से, स्केल की सहायता से जोड़ देना है, जोड़ दिया। अब बच्चे से यहां पे एक गलती होती है, बच्चा आयत चित्र बना लेता है, ठीक है, आयत चित्र बना लिया आपने, सबका मिड वैल्यू भी आपने निकाल लिया, मध्य मूल्य कुछ नहीं करना, मध्य मूल्य निकालने में आपको पता ही है, दोनों को L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 है ना, 20 से 30 का निकालना था, तो 20 जमा 30 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, 25 हो गया। इन सबको स्केल से आपको जोड़ देना है, जोड़ दिया। अब बच्चा यहीं पे छोड़ देता है और उससे गलती हो जाती है, गलती क्या होती है, करना क्या है, देखो 20 से 30 है ना, तो उससे पीछे जाओ, 10-10 का गैप है, 10 पीछे जाओ, 20 से 30 से 10 पीछे जाओगे तो क्या आएगा, 10 से 20 का मिड वैल्यू 5, इधर 5 पे जोड़ना है, और 60 से 70 था ना आखिरी, उससे 10 आगे भी जाओ, 70 से 80 उसका मिड वैल्यू आएगा क्या 75, इधर भी जोड़ना है। अब जाके आपका आयत चित्र क्या हो गया, सॉरी हिस्टोग्राम क्या हो गया, पूरा हो गया। बच्चा ये हिस्टोग्राम था किसकी मदद से, ये हिस्टोग्राम जो मैंने बनाया, ये जो मैंने बहुभुज बनाया, ये किसकी मदद से बनाया, ये बनाया किसकी मदद से, बताओ जल्दी बताओ मुझे, आयत चित्र हिस्टोग्राम की मदद से, पहले मैंने हिस्टोग्राम बनाया फिर ये बनाया। लेकिन एक और तरीका होता है, कह रहा है आयत चित्र की सहायता के बगैर, मतलब कि बिना हिस्टोग्राम के आपको पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, सीधा आपको पहले मिड पॉइंट निकाल लेना, देखो सीधा मिड पॉइंट निकाल लेना, क्या था, एक आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी और दूसरा सीआई गिवन था, तो सीआई पहला क्या था आप याद करो, पहला सीआई क्या था याद करिए आप, है ना, देखिए देखिए एक बार क्या था पहला सीआई, ये था ना क्वेश्चन, तो पहला सीआई क्या था 20 से 30, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, 20 जमा 30 डिवाइड बाय 2 50, 2 25, ऐसे इसका निकाल लो 35 45 55 65 हो गया। और अब इन पॉइंट्स को 25 15
पैंतीस पच्चीस, पैंतालीस सात, पचपन पांच, पैंसठ दो, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करिए आप, और प्लॉट करके सिंपली आपको इस तरीके का आपको आपका हिस्टोग्राम दिख जाएगा, सॉरी पॉलीगन दिख जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट लेना है, और जितने जितनी पहला मिड पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये, और एक मैंने बोला था लास्ट में आपको जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसको आपको सीधा स्केल की हेल्प से जोड़ देना है। लेकिन बस क्या है इसमें, अलग क्या है इसमें, आपने हेल्प नहीं ली। किसकी हेल्प नहीं ली, जो आयत चित्र है, जो हिस्टोग्राम है, उसकी हेल्प लिए बिना आपने पॉलीगन बना दिया। तो हम एग्जाम में कैसे बनाएं, एग्जामिनर बताएगा कैसे बनाना है, कुछ नहीं बोलेगा तो आप आयत चित्र की मदद से बोलना। और बेटा 99% टाइम आपका एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसका क्या करो आप, पॉलीगन मतलब बहुभुज बना के दिखाओ। तो आपको आयत चित्र बनाना है, आयत चित्र बनाने के बाद सबका मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट को जोड़ देना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका रिपीटेड आ गया है, तो आपका ये सारा काम पूरा हो गया। बेटा एक चीज और बताऊं आपको मैं, एक टॉपिक है, जैसे कि ये तो आयत चित्र था ना, ये आपका पॉलीगन था ना, पॉलीगन बहुभुज। एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व, आवृत्ति वक्र। बेटा अगर ये जितने पॉइंट्स है ना, इसे अगर आप स्केल से जोड़ रहे हो, स्केल की मदद से, मतलब इस तरीके से नोक बन रही है स्केल से जोड़ने की वजह से, तो ये था बहुभुज मतलब पॉलीगन। और अगर आप इसे फ्री हैंड जोड़ दो बिना स्केल, कैसे कर्व बनते हुए इस तरीके से अगर आप इसे जोड़ देते हो, ठीक है, तो फिर इसको हम बहुभुज पॉलीगन नहीं बोलते हैं, फिर ये क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है, आवृत्ति वक्र बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक से एक बार आप इसको देख लो, फ्रीक्वेंसी कर्व एक बार आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, हो सकता है बनाने को बोल दे। तो ये आपके प्रेजेंटेशन के दो टॉपिक थे, एक था डायग्रामेटिकल और एक था ग्राफिकल, सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करके दे दिए हैं। अब एक और टॉपिक करवाऊंगा, टेबुलर प्रेजेंटेशन, तालिका के रूप में प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो वो आपको मैं करवा दूंगा, और आप ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, फ्रेंड्स लोगों को बताएं, ठीक है, और सबकी हेल्प करें। और उसके अलावा बच्चों अगली जो वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए, वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लाऊंगा, तो आप उसको भी शेयर कर लेना, और आप खुद भी देख लेना, खुद भी पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट, बाय, जय श्री राम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।